तो चाहता हूं कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करे, और मैं ऑन रिकॉर्ड पहले आपकी शो में भी बोल चुका हूं कि पाकिस्तान जितना कश्मीर करेगा, जितने इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर रेज करेगा, भारत का उतना भला है। बट दुनिया कभी भी आपको एक रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ मजहबी मुनाफरत ने कई जाने ले ली है। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। बस एक चीज मैं कहूंगा जो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुए, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 75 साल में स्ट्रॉन्गली रेजिंग द कश्मीर इश्यू 1500 बार हो चुका है, और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें 3 बार जाके पाकिस्तानियों ने ना बोल दिया हो कि कश्मीर हमारा है। आज की तारीख में कशकोल लेके अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ साहब कशकोल लेकर जाए, इमरान खान कशकोल लेकर जाए और फिर बोले कश्मीर, तो लोग कहेंगे यार सुनो, हम एक तो तुम्हें पैसे दें, ऊपर से कश्मीर के बारे में बकवास भी सुना, यार दोनों चीजें नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की कोर्ट ने वीडियो में। दोस्तों आज पूरा पाकिस्तान ये बात मानने पर मजबूर हो चुका है कि कश्मीर का नाम ले लेके उन्होंने अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाकर कश्मीर का नाम लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यूएन के स्पीच में कश्मीर का नाम नहीं लेगा तो यहाँ पर इमरान खान और इमरान खान के समर्थक जो हैं वो इनको जीने नहीं देंगे, और इसीलिए उसकी मुसीबत बन गई कि वो उसने वहाँ पे कश्मीर का नाम लिया। लेकिन शहबाज शरीफ भी बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि उस स्पीच का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, और कोई भी देश उस स्पीच के सुनने के बाद भारत से ये नहीं कहेगा कि भारत जो है वो आर्टिकल 370 और 35 पे जो हटाया है उसको फिर से लागू करे। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको सियासत करनी होती है और अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको खुश करना होता है, तो इसलिए वो कश्मीर का नाम लेते रहते हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती रही कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानी जो लीडर हैं वो कश्मीर का नाम लेते हैं और कश्मीर पर कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसके आने वाले दिनों में उनके ही देश पर गलत प्रभाव पड़ता है। और यही वजह रही है कि आज पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि उसके यहाँ अगर बाढ़ भी आ जाए, उनके यहाँ बारिश भी हो जाए, तो उस वहाँ से जो लोगों की परेशानी है उसको निकालने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से वो कटोरा लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे हिलाली और फिजा खान का क्या कहना है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ मजहबी मुनाफरत ने कई जाने ले ली। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। कई खानदान और बस्तियां उजाड़ दिए, इस मुल्क को कई सौ बार मजहब के नाम पर जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, मासूम और बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजोरिटी इसको ये इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, हम तो पहले दहशतगर्दी से नबरदाजमा है, हमारे लिए पहले ही इतने ज्यादा मसाइल हैं। अब अगर ये सरकारी टीवी पर इस तरह के फतवे बटने लगेंगे, पहले ही जल रहे हैं इन फतवों की वजह से हम, ये मुल्क तबाह हो रहा है, आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सरहद पार धकेला, अब वो फिर मामला शुरू हो रहा है। तो आप उसको तो एक तरह से मेनस्ट्रीम कहें, क्या करें, हमारे घरों तक लेकर आ रहे हैं अब वो बहस, यानी जो पॉलिटिकल बहस पहले घरों तक थी, एक यानी हमारे घरों में एक दूसरे पे लड़ाइयां हम देख रहे थे, आज उसको मजहब की बुनियाद पर भी आप तफरीक कर रहे हैं। किसने इनको ये मशवरे दिए हैं, कौन बैठा है पीछे? पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, आवाम महंगाई से परेशान हाल है, तो वजीर आजम को परेशान नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादे पाक का मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, मुसीबत में घबराना दूसरी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। जैसे ही मलेशिया से पाम ऑयल के टैंकर उतरेंगे, वैसे ही पाकिस्तान में हर तरफ तेल ही तेल होगा, हम लोग तेल में तैरते हुए जो है वो ऑफिस पहुंचा करेंगे। वो कंटेनर पता नहीं रास्ते में कहीं लूट गया मेरा ख्याल है। एक आदमी उसके घर को, उसके जिंदगी के निज़ाम को सैलाब बहा करके ले गया, और ये हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए कह रहे हैं हम आपसे 2 महीनों का बिल नहीं लेंगे। और भाई वो अभी सालों साल खड़ा नहीं हो सकता, तुम 2 महीने के बिल की बात कर रहे हो। बंद लेके अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ साहब कशकोल लेकर जाए, इमरान खान कशकोल लेकर जाए और फिर बोले कश्मीर, तो लोग कहेंगे यार सुनो, हम एक तो तुम्हें पैसे दें, ऊपर से कश्मीर के बारे में बकवास भी सुना, यार दोनों चीजें नहीं हो सकती। यू सी, तो आज की तारीख में इंडिया के लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल है और इकोनॉमिकली भी स्टेबल है, वाइब्रेंट है इकोनॉमिकली, तो लोग सुनते हैं। ये तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। आरजू जी, इनके पास कोई चॉइस नहीं है और कोई टॉपिक नहीं है,
किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि बाढ़ आ गई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो उन्होंने बोलना ही बोलना है क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज, दे विल टॉक अबाउट कश्मीर, दे विल, इनकी मजबूरी है और यही मजबूरी भारत को बहुत फायदा दे चुकी है क्योंकि कश्मीर पॉलिसी, एक तो पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है नहीं, दूसरी चीज है कि ये समझते हैं कि बयान देके इनकी जिम्मेदारी कश्मीर पर खत्म हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? इन्होंने बयान दे दिया, ये जाएंगे बयान दागेंगे, दुनिया देखेगी नहीं, दुनिया इग्नोर करेगी, पाकिस्तान में हेडलाइन में हो जाएगा ही वेरी स्ट्रॉन्गली रेजेस द कश्मीर इश्यू, सारे पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 75 साल में स्ट्रॉन्गली रेजिंग द कश्मीर इश्यू 1500 बार हो चुका है और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें 3 बार जाके पाकिस्तानियों ने ना बोल दिया हो कि कश्मीर हमारा है। अभी तक 1 इंच जमीन मिली तो हम, इनका तरीका ही गलत है। इनका जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिश या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसका तरीका, उनको कश्मीर का कुछ भी चाहिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हम वापस आए मुल्क में तो हमारा लोग खून ना पिए कि साहब आपने कश्मीर का मुद्दा रेज नहीं करा। तो ये जिसको कहते हैं ना एज अ फॉर्मेलिटी, ये हाथ धोने के लिए कश्मीर बोल देते हैं एक बार कि कश्मीर का, देखिए कश्मीर में ये हो रहा है, बड़ी जातियां हो रही हैं और जो इंडियन आर्मी है वो गड़बड़ कर रही है और फलाना इंडियन गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इनके हुकूक छीन लिए और ये सब। ये अपना एक सेट स्क्रिप्ट है, यही स्क्रिप्ट ये 1956 में बोल रहे थे, ठीक है, 1976 में भी यही स्क्रिप्ट बोली है, 1996 में भी यही स्क्रिप्ट बोली, 2006 में भी, इनका, इनकी स्क्रिप्ट नहीं बदली है, इट इज द सेम एग्जैक्ट स्क्रिप्ट एक्सेप्ट इसमें 337 से जोड़ गया, कुछ नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो भी यही बोलता था, एग्जैक्टली द सेम, उसकी बेटी ने भी वही बोला। अब उसका जो पोत, उसका पोता है जुल्फिकार का या जो नाती है उसका, जो भी है, और वो भी बिलावल नवासा वही बोलेगा वहां पर जाके, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में बोला था, सेम उसका नवासा जो है वहीं पर जाके वही चीज तो बोलेगा। 3 जनरेशन से यही बात बोल रहे हैं। मगर बात तो आप लोग भी कश्मीर की करते हैं, जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो तो बार बार आपके यहां से भी कहा जाता है कि हम ले लेंगे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और हम ये आजाद कश्मीर भी ले लेंगे, और 1 इंच तो अभी तक भारत भी नहीं ले पाया, कहा यह जाता है यहाँ पे। आरजू जी, ऐसा है, किसी ने नहीं बोला भारत से, ये जब इंडिया में बातें होती है ना, इंडिया में तो किसी मंत्री ने अपना कमेंट दिया, आपने कभी देखा है हमने कभी बोला हो किसी वर्ल्ड बॉडी में जाके, यूनाइटेड नेशंस में हमने बोला हो कि हम कश्मीर ले लेंगे? जिसको करना है उसको बोलना क्यों है? क्यों बोलना है उसको? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि मोदी जी कब गए हों और कब जाके यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और मुल्क पे जाके उन्होंने ये बोला हो कि हम कश्मीर वापस ले लेंगे, आप एक स्पीच बता दीजिए किसी की। नहीं, मैं टीवी टॉक शोज की बात कर रहा हूं। अरे टीवी टॉक शोज, तो टीवी टॉक शोज को आप कहां टीवी टॉक शोज पे थोड़ा ना, वी आर टॉकिंग पॉलिसी। ओके, टीवी टॉक, देखिए टीवी टॉक शोज पे क्या होता है कि टीवी टॉक शोज पे लोगों के ज्याती बयान होते हैं और उन लोगों के बयान होते हैं जिनका कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अपने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो अपने यू नो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपना बयान दे रहे हैं जैसे पाकिस्तानी टॉक शोज में अपने बयान देते हैं। हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, हम तो मुल्क की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इंडियन मिनिस्टर या कोई इंडियन उसने जाके किसी फॉरेन कैपिटल में जाके ये बोला हो कि हम कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कह रही है, खास करके फिजा खान का ये कहना है कि जो शहबाज शरीफ है वो महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं या फिर पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही है, ये बात तो सही है क्योंकि अभी खुद पाकिस्तानियों ने, आपने देखा होगा कि जो जो शहबाज शरीफ है जब वो लंदन गए तो उनके खिलाफ बहुत सारे नारे लगाए गए, और ये कहीं ना कहीं इमरान खान का ही बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इमरान खान, आज इमरान खान को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कुछ भी चोर चोर के नारे हर जगह पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन यही इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर जब बनेगा तो फिर यही लोग जो हैं वो इमरान खान को बताएंगे, और इमरान खान जो कि आज उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि इनके लीडर जो हैं वो चोर हैं, और इससे ये जो पूरी दुनिया कंपनी है जो कि पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन है और जो वो कंपनी खोलेंगे उस पर हमेशा जो करप्शन है वो होता रहेगा, उनसे रिश्वत मांगा जाएगा और इसीलिए वहाँ पे कंपनियाँ नहीं आती है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं
जो शहबाज शरीफ है उनकी उनको उन लोगों को चोर चोर के नारे लगाए गए, उससे पूरी दुनिया में एक चीज़ तो चली गई कि पाकिस्तान की जो लीडर हैं वो अपने देश के साथ लॉयल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और अपने पैसे कमाने के लिए आते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया कंपनी जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लगते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।